हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड लेक्चर बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है रेट लॉ। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था और इंट्रोडक्शन के साथ आपके रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस करवाए थे। क्लियर बेटा? ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बहुत ईजी है बेटा, और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ना रेट लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसी के बिहाफ पे आप सारी डेरिवेशंस करेंगे, काफी सारी चीजें यूज होती हैं, न्यूमेरिकल भी काफी सारे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के। ठीक है, ओके बेटा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है बेटा? ये लिखा हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन, सबसे पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे, वही मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सपोज कहता हूं बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ए इज अ रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अंदर ना आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट की। क्लियर तो बेटा? रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी, बस रिएक्टेंट, इसलिए रिएक्टेंट को ही लेकर चलते हैं बेटा, रिएक्टेंट को ही। क्लियर बेटा? चलिए, ये आपकी एक रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड है, बस फॉरवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा नहीं बनेगा, तो फॉरवर्ड कहलाएगी। ओके, ठीक, according to the rate law expression क्या कहता है रेट लॉ? क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन जिसको मैं बोल देता हूं R, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को R बोल रहा हूं, is directly proportional to the concentration of reactant. जो भी आपका reactant होगा उसकी concentration के directly proportional है, और इस concentration of reactant के ऊपर एक power होगी, suppose कह देता हूँ वो power है x, ठीक है, और इस law के अंदर rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, और इस concentration of reactant पे एक power होगी जिसे मैं बोलूँगा order. क्या बोलूँगा? Order. क्या बोलूंगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या बोलूंगा? ऑर्डर. ठीक है, अच्छा, ये जो ऑर्डर है जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो ऑर्डर है ये आपके जो भी रिएक्शन है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, यहाँ पे जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके इक्वल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 है तो यहाँ पे ये ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो बाय चांस की बात है, हो सकता है, नहीं तो मोस्टली जो होगा वो डिफरेंट ही मिलता है आपको। क्लियर? ठीक है, फिर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर एक पावर होगी एक्स जिसको मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पे हम लगाते हैं के, एक कॉन्स्टेंट है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन को आर लिख देता हूँ, के इसके ऊपर पावर इज एक्स। क्लियर? तो ये है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, जहां पे ये जो के है आपको आर पता है रेट ऑफ रिएक्शन, ए पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स इज ऑर्डर, एंड के इज यहां पे रेट कांस्टेंट। क्या बेटा? रेट कांस्टेंट। क्लियर बेटा? अब अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विद ईच टर्म, मतलब जो भी रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर कुछ पावर होगी, वो पावर जीरो भी हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, या 1/2 भी हो सकती है, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। कौन सी रिएक्टिंग है? ए रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर बेटा? तो यहां पे आपने ये देखा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है। क्लियर बेटा? ध्यान से सुनिएगा, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके, ठीक है, 5 बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होंगे जो आते हैं। क्लियर बेटा? ओके, चलिए, अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि जो K है ना बेटा, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की जो यूनिट होगी वो डिफरेंट होती है। हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए K की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट। क्या होती है? डिफरेंट। क्या होती है? बोलिए, डिफरेंट होती है। तो इसको याद रखिएगा, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं अभी, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट लिख, देखिए बेटा जैसे यहां पर लिखा हुआ है
रेट कॉन्स्टेंट हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज कहता हूं मैं यहां पे आपको दो तो प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा, उसके बाद आप खुद ही इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आप कर लेंगे क्वेश्चन को. देखिए बेटा, सपोज लिखता हूं यहां पे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, एक रिएक्शन है ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वही रिएक्शन है, यही लेके चलूंगा हमेशा, ए से प्रोडक्ट. क्लियर बेटा? तो यहां पे अप्लाई करता हूं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, आर एल ई लिख दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो. क्लियर? ठीक है, तो आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा आपका, रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. और कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मोलैरिटी, मोल पर लीटर, और टाइम को ले लेते हैं सेकंड में. के तो यही रहेगा और ए की पावर जीरो, तो ये वन हो गया. मतलब जीरो ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट हो गई वो पाई गई, के की यूनिट किसके लिए, जीरो के लिए, मोल, लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स. क्लियर बेटा? अब देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या लाएगा. रिएक्शन लेते हैं, ए से क्या बन गया बेटा, प्रोडक्ट बन गया, ए से क्या बन गया, प्रोडक्ट. अब यहां पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्लियर? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर इज वन. ठीक है, अब ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मोल लीटर सेकंड. क्लियर? इज इक्वल टू के की निकालूंगा, ले ये है, ए है कंसंट्रेशन, तो ये भी हो जाएगा आपका मोल अपॉन लीटर. तो मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, तो इसके लिए के की यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स. क्या हो गई, सेकंड इनवर्स. ये बहुत फास्ट रिएक्शन है इसलिए हम इसको सेकंड इनवर्स में ले रहे हैं. थोड़ी मॉडरेट होती तो ये आवर्स और मिनट्स में आती है, और अगर बहुत ही स्लो होती है तो ये दिन, घंटे, दिन, महीने, साल, डेकेड्स में भी आ सकती है बेटा. क्लियर बेटा? क्लियर है? ऐसी सेकंड ऑर्डर का आप लोग खुद करके दिखाइएगा, मैं स्टेटमेंट बना देता हूं, इसको नोट कर लीजिए. क्लियर बेटा? जल्दी फास्ट क्या लिखा है इसको याद रखिएगा. रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है हर ऑर्डर के लिए क्या रहती है, डिफरेंट रहती है. क्या रहती है? डिफरेंट. तो आप के की यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है. क्लियर बेटा? चलिए देखिए, ध्यान से एक देता हूं सेकंड ऑर्डर के लिए, आप लोग खुद बनाइएगा और मुझे इसकी यूनिट बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर देखिए बेटा, ये रिएक्शन है, ए से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया. अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू के, ए की पावर डाल देंगे टू. ठीक है, फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा और बता दीजिएगा मुझे क्या आएगी. क्लियर बेटा? ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर की भी बना लीजिएगा. चलिए थर्ड और nth ऑर्डर की भी ट्राई करिएगा, थर्ड ऑर्डर की एंड nth ऑर्डर के लिए ट्राई करिएगा. एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा, थर्ड नहीं दे रखी लेकिन nth दे रखी है, ट्राई करिएगा बेटा. क्लियर? और तीनों की मुझे k की यूनिट कमेंट सेक्शन बताइएगा बेटा. क्लियर बेटा? तब मैं चेक करूंगा कि किन किन बच्चों का सही है, किन किन बच्चों का गलत है. क्लियर बेटा? करिएगा जरूर. चलिए ओके, बढ़ते आगे न्यूमेरिकल्स पे. ध्यान से देखिएगा, बेसिक है कि आप किस तरीके से रेट लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर बेटा? यहां मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास रिएक्टेंट एक ही है, वो दो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज कहता हूं दो रिएक्टेंट है मेरे पास, ए प्लस बी. ठीक है, ये प्रोडक्ट बना है, तो इस पर कैसे अप्लाई करूंगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर डाल दूंगा एक्स और मल्टीप्लाई बाय बी की पावर वाई. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए का ऑर्डर तो एक्स है, बी का ऑर्डर वाई है, लेकिन पूरी रिएक्शन का बोलूं, इस पूरी रिएक्शन का, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा. क्या होगा? एक्स प्लस वाई. क्लियर? ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे. ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है. कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, दे रखी है आपको. और प्यारा सा एक्सप्लेनेशन ये होगा इसका कि पूरा ओवरऑल ऑर्डर निकालना है आपको. तो ए के लिए चलते हैं, पहले ए है आपका. ठीक है, इसमें ए ये बी दे रखा है, तो इसके पास दो रिएक्टेंट होंगे, मतलब दो रिएक्टेंट का स्पीसीज है, रिएक्शन है सॉरी. और इस पे अप्लाई कर दिया रेट लॉ, और ए पे है 1/2, बी पे है 3/2. तो इन पूरी रिएक्शन का ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों को एडिशन कर दीजिए, 1+2+3/2 को, तो ये कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर, कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बी वाले को देखिए, बी वाले में भी सेम है, ए प्लस बी आपका प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, प्रोडक्ट बना रहा है, क्लियर, ओके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए पे है 3/2, बी पे है -1, तो ये जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा, इसका वैसे होगा ये मेरे ख्याल से 1/2 ऑर्डर होगा इसका, ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में भी आ गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान से देख लीजिए बेटा, क्लियर, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट से आपको क्या निकाल पता करना है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले वाले का क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो आपको अभी आपने करा ही है, तो ये आपका हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा ये है आपका सेकंड इनवर्स, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, यूनिट से, किससे मतलब बेटा, यूनिट से, तो यूनिट से आप पहचान सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड इनवर्स किसका होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का, क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा ये, एनसीईआरटी के, क्लियर बेटा, क्लियर, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या क्या रखा है बेटा, फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रहे हैं, द रेट लॉ इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं रेट पूरी, आर जो है इज इक्वल टू के, और ए 1/2 है, बी है आपका 2, तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरी के लिए, तो फिर से वही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, 1/2 मतलब ये हो जाएगा आपका 5/2 ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/2 ऑर्डर, क्लियर बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हो गए, धड़ाधड़ जल्दी जल्दी हो गए, अब बढ़ते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन पे, अच्छे वाले क्वेश्चन पे, देखिए बेटा, चलिए देखिए ध्यान से, ये है एक प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये थोड़ा अलग है उससे, ध्यान से देखिएगा क्या क्या रखा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y, मतलब आपका x रिएक्टेंट था जो कि कन्वर्ट हो गया y मॉलिक्यूल, y प्रोडक्ट के अंदर, फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही काइनेटिक्स है, ठीक है, इस पे अप्लाई कर देते हैं पहले यहां तक, ठीक है, तो यहां लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो r इज इक्वल टू के, x की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहां बता रखा है ये सेकेंड ऑर्डर है, क्लियर बेटा, यहां पे सेकेंड ऑर्डर, क्लियर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, अभी ध्यान से देखिएगा, अब इसके आगे का बढ़ते, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x, अगर जो x की कंसंट्रेशन है उसको दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज्ड टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, ठीक है, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को भी ये किस तरीके से वैरी करेगा, किस तरीके से ये वैरी करेगा, क्लियर बेटा, यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों इक्वल होगा इस रिएक्शन के उस पे, क्लियर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा आपका, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, क्लियर है बेटा, ओके, सपोज कहते हैं यहां पे जो दे रखा है कि 3 गुना हो जाए, इफ लिख देते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज बाय थ्री टाइम्स, कितना, 3 गुना बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए बेटा, 3 गुना बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, 3 गुना, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, ऑब्वियस है, तो R की जगह क्या कहता हूं, R1 कहता हूं, K तो K ही रहेगा, X की जगह क्या हो जाएगा, 3X, और ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, अब इसको R1 की जगह R1 लिखता हूं, K की जगह K, और ये हो जाएगा 9 को R आगे भेज देता हूं, ये 9 हो गया, और ये X की पावर 2 रहेगा, तो आप देख रहे हैं K और X स्क्वायर का वैल्यू क्या था, R था, इसको मैं आगे लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू 9R, मतलब जैसे ही आपने 3 गुना उसी कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ गया सेकंड ऑर्डर पे, लेकिन किस पे, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे, क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर का आता है बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए इसको फास्ट, क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है आपका प्यारा सा, वो है ये, एक मैं करूंगा एक आप खुद करिएगा बेटा, क्लियर, क्या कह रखा है, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, पहला दुगना करना है, दूसरा क्या करना है, उसका आधा कर देना है, ठीक है,
तो पहला वाला मैं करता हूं, ए रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन को ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, इस पर अप्लाई कर देते हैं। और कौन सी काइनेटिक्स चल रही है, कौन से ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, कौन सी है, सेकंड ऑर्डर की। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर इज यहां पे 2। क्लियर। अब पहला वाला क्या है, डबल इफ, अब मान लेते हैं इफ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इफ द कॉन्सेंट्रेशन, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स टू टाइम्स इंक्रीज बाय 2 times या फिर डबल होगी, जो भी है, ठीक है, आप समझ गए। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टर तो होगी, तो R को R1 क्या देता हूं, K को K रहूंगा, A क्या हो जाएगा 2A, क्योंकि दुगनी हुई है, डबल हुई है, और स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये R जो है ये R1 रहेगा, ये K A रहेगा, 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके R, ये A का A रहेगा। तो आप ये वाली वैल्यू देखेंगे, K A स्क्वायर जो है वो उसको क्या कह रहा हूं, R, तो मतलब जो R1 है वो 4 गुना R के हो जाएगा। तो यहां पे आप समझ गए कि जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ A या रिएक्टेंट की आपने डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया बेटा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना था और यहाँ पे शो भी कर दिया हमने। ऐसे ही आप रिड्यूस करेंगे हाफ तो 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसको आप बताइएगा मुझे प्रूफ करके बेटा। क्लियर बेटा। तो ये आपका पूरा का पूरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, लॉ, न्यूमेरिकल्स, यूनिट्स, ETC एंड ETC सब कुछ था। क्लियर बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा, कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो तो। क्लियर। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए टेक केयर मेरी जान।